हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि 2500 वैकेंसी निकला है, जो कि ONGC की तरफ से, जो कि अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 के नहीं, अप्रेंटिस के पीरियड में आप लोगों को 7000-8000 अलग अलग कैटेगरी के एवं 9000 रुपये का कलर्स स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो इसमें जो भाई लोग ONGC में काम करने के इच्छुक इन फ्यूचर में, तो ये अप्रेंटिसशिप उनको वन स्टेप एडवांस कर देगा। तो इसी में, इसी सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट में जाने से पहले, जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें, उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट। इट इज टू एनी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर इंटरेस्टिंग दिस सब्जेक्ट। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। देखिएगा, ये ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एडवर्टाइज नंबर ONGC/APPR/1/2020। कोई भी एडवर्टाइज नंबर क्यों ना, आप लोग नोटिफिकेशन के लिए वेबसाइट में जाएंगे, एक एडवर्टाइज नंबर को देख के, क्योंकि बहुत एडवर्टाइजमेंट रहते हैं। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2023, और लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 20 सितंबर 2023। ये केप्ट इन माइंड, अगर जो कोई इंटरेस्ट है और टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं, ये लास्ट दिन का वेट मत करिएगा, झटपट एक्शन करवा दीजिएगा। ये देखिएगा, ये लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ सीट्स, ये देखिएगा, अलग अलग इंडिया, ऑल इंडिया बेसिस में जो कोई लोकेशन है उसको अलग अलग सीट के क्राइटेरिया, जो आपका नज़दीक पड़ता है आपको जो ट्रेड वाइज, तो उसी हिसाब से आप लोग सेंटर को कलेक्ट कर, सेक्टर को सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो उसी आधार पे, जैसे कि ये है नॉर्थन सेक्टर में, जैसे कि देहरादून सेक्टर में ये अलग अलग ट्रेड के टोटल 114 स्टेट है। अच्छा, OBL दिल्ली के लिए देखिएगा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव सीक्रेट असिस्टेंट AC करके ये टोटल 40, जोधपुर में 159। अच्छा, मुंबई सेक्टर का ये देखिएगा, मुंबई सेक्टर 303 है, गोवा का 25 है, अलग अलग टेड है। उसके बाद हजारिया में 45 अलग अलग टेड है। उड़न में ये मुंबई सेक्टर टोटल अलग अलग सब सेक्टर भी है। तो उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर में, जैसे कि कॉम्बे ये अलग अलग टेड, जैसे कि देखिए सीरियल नंबर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, केबिन, रूम अटेंडेंट, ये सब ऐसे करके जो जिस स्टेट में आप लोग कॉल किया उसी हिसाब से भद्रा 112, उसके बाद अच्छा अंकलेश्वर सर में 173, अहमदाबाद में ये सीट है 165, और इसके अच्छा मेहसना में ये 221, इसी टाइप का। टोटल वेस्टर्न सेक्टर में 732, ईस्टर्न सेक्टर में अच्छा जोरहाट में देखिएगा, जोरहाट के अंडर है 132 सीट्स है। सिलचर के अंडर में ये 71 है। अच्छा नाजिरा ने शिवसागर में देखिएगा ये 593। अच्छा साउदर्न सेक्टर चेन्नई में 50, काकीनाडा में 78। अच्छा राजमुंद्री में 102। अच्छा कराईकल में 378। अच्छा देखिए सेंट्रल सेक्टर अगरतला में देखिएगा 147। अच्छा कोलकाता के अंदर है 31। अब बोकारो में 202 टोटल 2500, ये अलग अलग सेक्टर बांटा हुआ है। देखिएगा इसमें ये रिजर्वेशन
टू वेरियस कैटेगरीज जो अलग है SC ST OBC EWS PWD शैल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन उसको। इसके बाद एज क्राइटेरिया ऊपर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 24 इयर्स एज ऑन 20 सितंबर 2000 दैट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट ऑफ एप्लीकेंट शुड बिटवीन 20/9/99 एंड 20/9/2005 के अंदर होना चाहिए। तो इसके बाद जो रिलैक्सेशन वगैरह वो अपना देखिए। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा। ट्रेड पब्लिक डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट देखिएगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए पास 7 है, टेंथ पास। अच्छा, केबिन रूम अटेंडेंट के लिए 10th पास। ड्रेसर के लिए मेडिकल के लिए 10th पास। अच्छा, हाउस कीपर कॉरपोरेट 10th पास। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट 12th पास। और मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स ITI इन मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोसेसिंग असिस्टेंट COPA के लिए ITI इन COPA ट्रेड। और ड्राफ्ट्समैन सिविल ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल। ये सब चीज़ें आप लोगों को रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI इन इलेक्ट्रीशियन। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। फिटर ITI इन फिटर। ये सब चीज़ है, सब आप लोग अपना ITI का जो क्वालिफाइड है इसी को। उसके बाद देखिएगा देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर सेक्रेटेड असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट। स्टोर कीपर ग्रेजुएट चाहिए। ये सब चीज़ देखिए। और चाहिए कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के लिए डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग ये चाहिए। उसके बाद ENT एग्जीक्यूटिव के लिए सेम। और इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए सेम। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव के लिए सेम। और इंस्ट्रूमेंटल एग्जीक्यूटिव के लिए सेम। अच्छा, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के लिए सेम। और फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी के लिए। और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट विथ जियोलॉजी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ है। देखिए नोट देखिएगा। द ट्रेड्स मेंशन द ट्रेड्स मेंशन एंड नंबर ऑफ द सीट मेंशन अबव द टेंटेटिव व्हिच मे चेंज एज पर द ये अलग अलग देखिएगा। कभी कभी चेंज हो सकता है तो थोड़ा बहुत। ऑनलाइन पोर्टल आपको ऑनलाइन द पोर्टल विल हैव बी डाइवर्सन लिंक टू द स्किल इंडिया पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर फोर कैंडिडेट अप्लाई फॉर द ट्रेड्स फॉर्म SI नंबर सीरियल नंबर 1-31 हैव टू बी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल। दैट इज ये जो रेड कलर का पोर्टल दिया हुआ इसी में ट्रेड 1-31 ये केयरफुली प्लीज रेफर पैरा DN1। क्वालिफिकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया हाउ टू अप्लाई। अच्छा, फॉर ट्रेड्स मेंशन सीरियल नंबर 3240 कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल ऑफ बोर्ड ऑफ एप्लीकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेड्स BOAT बोर्ड। दैट इज ए ब्लू कलर का। अच्छा, ओनली एज ड्यू अप्रूवल ऑफ बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेंडिंग फॉर द ट्रेड्स मेंशन ये सीरियल नंबर 3240 अबव। ये सब चीज़ आप लोगों को इतना घबराने का जरूरत नहीं। 1-30 तक जो दिया गया फर्स्ट वाला, उसके बाद 32-40 वो सेकेंड वाला, ये सब चीज़ है। और बाकी कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट दैट इज ये जो रेगुलरली जैसे कभी कभी कुछ चेंजिंग होता है ये रेगुलरली थोड़ा विजिट करने फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट एंड नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर रजिस्ट्रेशन अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिस पोजिशन। ये सब चीज आके देखिएगा। स्टाइपेंड कुछ मिलेगा जैसे आप लोगों को बताया था थंबनेल के टाइम।
ये कैटेगराइज जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बी बीटेक के लिए 9000 रुपये मिलेगा। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जैसे जो डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिस कर जो 8000 रुपये, आर्टेड अप्रेंटिसशिप जो 10th 12th और आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए 7000 रुपया ये अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। ये द अप्रेंटिसशिप आर एलिजिबल फॉर द मंथली स्टिपुलेटेड एज पर द अप्रेंटिस एक्ट ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ फॉलोइंग। तो ये सब चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा द सिलेक्शन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट डन ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑफ जो आप लोगों को जो अपना अपना मार्क मिला मैट्रिक एचएस तो उसके उसी के आधार पे इसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ए स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट मार्क्स ऑफ इज अच्छा इन केस ऑफ ए सिमिलर नंबर ऑफ इन मेरिट जैसे अगर किसी को बराबर नंबर दे पर्सन विल हायर एज जिसका ज़्यादा एज उसको वुड बी कंसीडर नो कन्वेइंग और ये सब चीज़ और जनरल कंडीशन जनरल कंडीशन आप लोग अपना तरफ से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन टेटन इसमें देखिएगा कोई कोई एक से अधिक कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन टेट ओनली ये कीप इन माइंड में रखिएगा कि एक ही टेट आपको करना है फिलअप करना है, एक से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन टेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर एनी पोस्ट एंड अदर एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। तो ये आप लोग को कैप्टन माइंड में रखिएगा। ये बाकी ये जो हाउ टू अप्लाई को आप लोग केयरफुली पढ़ लीजिएगा। प्लीज़ चेक वेयर यू आर द एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सीट्स बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज मेंशन इन पैरा डी में मेंशन किया जाए एंड वेयर यू बिलोंग टू एलिजिबल टू डिस्ट्रिक्ट एज मेंशन इन अपेंडिक्स वन में अपेंडिक्स वन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेंशन किया। अच्छा इसमें देखिएगा कैंडिडेट मीटिंग द अबव प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट ऑन ONGC वेबसाइट ONGC का वेबसाइट में विजिट करिएगा और इनफॉर्म 1/9/2023 टिल 20/9/2023 तक फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिएगा। उसके बाद आप लोगों को मेन चीज़ आप लोगों के साथ सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू देयर रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड SMS के द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी डन प्रायर टू ज्वाइनिंग ऑन द स्पेसिफिक डेट। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और इम्पोर्टेंट डेट है इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड कॉल फॉर एप्लीकेशन 1 सितंबर 2023 ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर से ही होगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 20 सितंबर 2023 डेट ऑफ रिजल्ट और सिलेक्शन देखिएगा ये आप लोगों को डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन 5 अक्टूबर 2023। तो इसमें बहुत क्विक एक्शन है तो आप लोगों को इसी आधार पर अच्छा इसमें देखिएगा ओनली फॉर एनी फर्दर क्वारी प्लीज कॉन्टैक्ट एट ए ईमेल आईडी मेंशन किया है। ये ईमेल आईडी का अगर कोई डाउट है तो आप क्वारी डाल सकते हो। इसके बाद उन्हें एनेक्सर वन के मुताबिक नेम ऑफ द वर्क सेंटर लोकेशन अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट ये सब रहेगा। देखिएगा ये 14 पेज का नोटिफिकेशन है तो हम जितना हो सके आप लोगों को बारीकी से समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। देखिएगा ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 12 मंथ फॉर ऑल ट्रेड्स मेंशन अबव ये सभी ट्रेड के
मैं ये ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए। देखिए भाई लोग, एक पॉइंट इसमें मेरे को जरूरी लगेगा। देखिए क्या ONGC शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू द अप्रेंटिस ड्यूरिंग एंड और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप पीरियड। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड कैंडिडेट शैल बी रिलीव फ्रॉम द रेस्पेक्टिव वर्क एरिया। तो ये सब ये आप लोगों को केप में केप्ट इन माइंड। और एक चीज़ आप लोगों को साथ डिस्कस करने के लिए, देखिएगा द अगर कोई भाई लोग अभी ऑन द प्रोसेस में है, पढ़ा कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे द एप्लीकेंट फॉर द पोजीशन शुड नॉट हैव कंप्लीटेड देयर 3 ईयर्स आफ्टर पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन एंड कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी दैट इज 20/9/2023। इन केस द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज नॉट mentioned in the marksheet, the candidate must submit a certificate mentioning the date of publication of result from the principal of the polytechnic college institute from where the candidate pursued his course at the टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। एज का सापेरा 4। ओके दोस्तों, ये थोड़ा लेंदी हो गया आप लोगों को बारीकी से समझाने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, भारत माता की जय। देखिएगा ये जो फ्री में बैठा है कोई में, अगर देखो ये अप्रेंटिसशिप इसको तो मिल जा रहा है और इसके साथ में एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मिल रहा है, तो इसमें इन फ्यूचर में आप लोगों को कोई काम मिलने का आसानी हो जाता है। ओके, जय हिंद, भारत माता की जय।